Hi, guys, welcome to the next episode of Documenting People. First of all, I would like to thank all of you for listening and giving such wonderful feedback. And it's just been overwhelming the kind of response I got. I never thought that any more than 10 people would watch it. But thank you so much. Thank you so much for watching, for engaging with it, and for the lovely, lovely feedback. And keep them coming and any requests. Are more than welcome on the email that is provided in the link. So today I am honored to host Mr. Hamad Rashid, soon to be Dr. Hamad Rashid, uh, on my podcast. It's, it's a pleasure. And I have known him uh, through his musical live streams that he does daily on his YouTube channel. I will leave the link in the description and you can check those out. They are wonderful. He's a wonderful music producer and his brilliance can be understood by the fact. कि उन्होंने मेरा मेरे वोकल्स पे गाना बना दिया विच इज अनबिलीवेबल सो विदाउट बिल्डिंग अप द सस्पेंस विदाउट कीपिंग यू ऑल वेटिंग लेट्स स्टार्ट सो थैंक यू थैंक यू फॉर अग्रींग टू डू दिस ऑफकोर्स पहली बार

और इट इज बी सो वियर्ड इफ समवन डजंट नो मी और मैं के पास जाके यू नो व्हाट हु आई एम अजीब लगेगा आई थिंक आई वुड से हेलो नहीं हाउ वुड यू वांट रीफ्रेश कर देते हैं हाउ वुड यू वांट समवन हु डजंट नो यू टू नो यू आप क्या चाहते हैं कोई आपके कैसे जाने मैं <laughs> YouTube लेके जाऊंगा उनको चेक दिस आउट भाई सब्सक्राइब भी कर देना हां मैं बिल्कुल नहीं मैं अच्छा मैं लेट मी बी अगर आंसर वाला तो आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ कि जी मैं एक म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं

अभी-अभी का दो टुकड़े हुए थे और मैं दूसरे टुकड़े पे था उधर से मुझे बांग्लादेश में बंगला बंगाली हूँ बेसिकली मैं बांग्लादेशी हूँ लेकिन मैं।, मैं सिलेटी हूँ है। है? बंगाली तो वो मैं बांग्लादेश से मेरा ताल्लुक है और नहीं मैं ऐसे नहीं कर सकता सच बोलना है सच पे हम रहेंगे तो ओरिजिनल

और वहां पे वो उस तरह की दीवारें होती थी जिसपे लिखा होता था मर्दाना कमजोरी के लिए बाबा बंगाली के पास जाए ये मैं आपको नहीं बंगाली ये है पाकिस्तान you know. में भी मिल जाते हैं है। काला तो, जादू वाला सीन रहता है इट एग्जैक्टली exactly. तो वो वाली जगह से बड़ा हुआ मैं तो म्यूजिक का तो कोई सिस्टम नहीं था बस सिंपल अच्छी जिंदगी गुजारी मैंने ये मजा था कि कभी कोई ऐसा ट्रोमाटाइजिंग चीज नहीं हुई मेरे साथ जो की मुझे बैगेज बन जाए तो इसलिए मैं बड़ा इजी इजी खेलता रहा मैं कॉमेडी का मुझे शौक था बचपन से परफॉर्मेंस करने का तो स्टेज पे चढ़ गए स्कूल में करने नहीं मुझे देते थे वो क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा टैलेंट नहीं होता था उस वक्त एट दैट टाइम आवाज़ नहीं थी नहीं। मेरी और कुछ जोक्स वगैरह तो आते नहीं थे बनाते नहीं आते थे तो इस तरह मैं करके फिर मैं जब लाहौर में लोग शिफ्ट हुए तो लाहौर में मेरे भाई ने सिंगिंग शुरू की तो मैं थोड़ा जेलस हुआ उसकी जेलसी को पकड़ने के लिए मैंने कहा यार सिंगिंग करता सारे तालियां मारते हैं ये तो मेरा ड्रीम है वाई इज ही डूइंग इट तो फिर मैंने कहा मैं इससे क्या कर सकता हूँ जैसे उसकी मैं ये मैं बताता हूँ जेलसनेस की स्टोरी मेरे भाई ने पहले कंप्यूटर आई टी शुरू की उसने uh, तेरह साल की उम्र एम सी एस डी कर दिया चौदह साल की उम्र okay. सर्टिफिकेशन होती है ठीक है और मैं उधर वो मेरे नंबर कम थे तो मैं इलेक्ट्रिकिटी कर रहा था इलेक्ट्रीशियन वाला जो कोर्स होता है जी। तो वो भी बाय चॉइस नहीं था तो उसने जब आईटी का शुरू किया ना कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो मैंने मेरे जिन में आया कि अच्छा ये तो सॉफ्टवेयर बनाता है ना मैं कंप्यूटर बनाऊंगा आई डू हार्डवेयर

और मतलब कोई नहीं कोई फ्लेयर है ही नहीं तो वो मैंने छोड़ दिया मैंने कहा नहीं ये, दिस इज नॉट मी बिलियनर भी ना बनता बिलगेट से लगेगा तो कोई फायदा नहीं <laughs> तो वो साइड पे फिर मैंने गिटार का शुरू किया क्योंकि मेरे भाई ने सिंगिंग की तो मैंने गिटार सुना से शुरू किया गिटार सुनने के बाद उस वक्त पाकिस्तान में ये इंडी म्यूजिक का एक बूम आने वाला था मतलब आई वॉज जस्ट आई जस्ट कॉट देव सो आई गॉट लकी देयर और पाकिस्तान में इस तरह मैंने जो है मैं जहाँ पे गिटार सिखाया था इंटरनेट से मैं सीख के टैब्स वगैरह अपने क्लास फेलोज को मैं अलहमरा आर्ट काउंसिल में स्टूडेंट था उनको मैं फिर गाने सिखाता था वेस्टर्न गाने मेटालिका वगैरह के उनसे थोड़े से पैसे भी लेता था, था मैं तो एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ से मैं स्टार्ट हुई थी चौदह सौ पंद्रह साल के मैं उसके बाद फिर मैं बस म्यूजिक करता रहा और उसके बाद फिर काफ़ी बैंड के साथ प्ले किया फिर लंडन आ गया मैं फिर लंडन आ गए उसके बाद और कुछ हुआ लेकिन वो अगले क्वेश्चन में आएंगे हाँ, तो ये है फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन में जो वो क्या करते हैं उनका नाम क्या है नाम तो मैं नहीं बता सकता उनका लेकिन मैं आपको okay. बताता हूँ वो करते क्या नाम मैं okay. इसे नहीं बता सकता क्योंकि वो लिस्ट पे हैं ठीक है ये okay. जो फादर हैं वो बहुत इन्फ्लुन्शल uh, इंसान है कि अगर उनका पता लग जाए अगर मैं कभी डिस्क्लोज कर दिया मैंने स्ट्रीम पे कि वो कौन है तो आधे लोग शायद छोड़ के चले जाए ठीक है ना दैट इज 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 इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग इट इट नाम नहीं चाहिए अब बड़ी दे और ज्यादा लोग ज्वाइन भी कर लेंगे क्योंकि उनकी बहुत गेम है ठीक है <laughs> तो उनका एक आर्टिस्टिक जो नाम है जो वो तो मैं कभी कभी यूज करता हूँ खैर मेरे फादर जो हैं एक शायर हैं और एक पोलिटिकल एनालिस्ट हैं जो हैं वो तो और उसके अलावा वो सारिंदगी उन्होंने शेर व शायरी की और ट्रैवलिंग की अमेरिका में रहते थे पहले वो तो उन्होंने उनको देख के मुझे ये पता लग गया था कि बंदे का करियर जो है इज नॉट नीडेड ऑल यू यू गॉट डू जस्ट लिव 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 इट 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 बिग एंड बी फाइन और मदर जो है मेरी वो टीचर हैं और वो कैम्ब्रिज के लिए पढ़ाती हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के लिए लेकिन पढ़ाती उर्दू है तो हाँ, like, like नीश exactly. so उनको बड़ी जबरदस्त मिली हुई है तो उस वजह yeah. से अब आप देख लें कि जो मेरे जो फादर हैं वो आर्टिस्ट और शायर टाइप हैं और मेरी मदर टीचर है उन दोनों को मिला के मैं म्यूजिक करता हूं और मैं म्यूजिक कॉम्बिनेशन ऑफ

तो आपका फिर बचपन के बारे में थोड़ा सा बताएं ना बचपन कैसा था बचपन छोटे घर पे ज्वाइंट फैमिली थी, थी मेरे मैं और मेरा भाई थे 11 12 साल तक फिर पता नहीं क्या हुआ मेरा एक छोटा भाई आ गया तो उसमें और मेरा एक 11 साल का फर्क है तो वो हम लोगों का बस हम दो तीन भाई हैं बस और कोई भी नहीं है तो और कोई भी नहीं मतलब कि हम फैमिली में कोई नहीं है तो हम लोग इस तरह ही था मेरे फादर थे वो अपना करते थे और वो ही वॉज लाइकल्टेंट वो काफी लोगों को कंसल्ट कंसल्टेंट उनकी जॉब थी करते थे वो जब कभी उन्हें की है, के को गाइड कर दिया और इस तरह से और मदर जो थी मेरी वो ऑफ कोर्स हाउस पे जो घर की खातन होती हैं लेकिन क्योंकि मेरे घर में अदब का बहुत ताल्लुक है अदब मतलब के आर्ट्स का तो जी, जी. जो, जो भी कभी गैदरिंग हुई तो अदबी बातें हो रही गालियाँ वालियां नहीं देते थे शेर शायरी बहुत होती थी म्यूजिक की बात होती थी आ, तो उस वजह से मुझ पर भी वो असर पड़ा इसका hmm. और एक चीज मैं इंटरेस्टिंग यही बता सकता तो 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 पहली दफा ये शुरू से प्रैक्टिस हो गई हुई थी ना इसलिए hmm. कभी दिलने लगाया तो जुटा भी नहीं जाकर खान वाली बात की जाकर खान ने

तो इस तरह से हमारा सिस्टम ये था कि हम लोग मूव होते रहते थे उसकी वजह से पिक किया काफी जगहों से जैसे पंजाब में डिफरेंट पंजाब में जब टाइम गया तो कराची में जो है वो इस तरह बोलते हैं जिस तरह के वो हिंदुस्तान वाले जो नॉर्थ में बोलते हैं जिस तरह थोड़ा सा उनका लहजा और सारा कुछ आ जाता है तो वो उस वजह से फायदा अब मुझे उसका क्या होता है कि मुझे वैसे कोई

इन जो आजकल कहते हैं एक्सपोज़र एक्सपोज़र but... बहुत, बहुत <laughs> से से लेकर लेकर मर्सिडीज तक सब पे, सब पे पे तांगे रोल्स रॉयस मुझे, ना, मुझे कभी -कभी गिल्टी फील होता है इसलिए मेरे सीन नहीं बनता मैं मशहूर नहीं हुआ क्योंकि मैंने स्ट्रगल नहीं की लाइफ में क्योंकि जितने भी जो

देखने आप सो इज अमेजिंग और ये आप बिल्कुल आई दिस यस आप भी ई लिस्ट सेलिब्रिटी हैं जी बिल्कुल ई लिस्ट मैं डी लिस्ट हूं अरे कि इवन तो आपसे कम भी है मेरे लेकिन मैं अपने आप को ऊपर कर रहा हूँ बिल्कुल और नहीं वो देसी कल्चर है ना कि हम पहले पैदा हुए तो तू विडोस मोर जस्ट फॉर व्हाट योर बीइंग बोर्न अर्लियर विथ नो क्रेडिट ये तो हमारा सीन हो रहा है उसकी भी हाँ वैसे सही बात है ये एक बड़ा इशू है ये बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है हाँ। अब अगर मुझे था। 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 मैं, मैं अभी भी अभी मैं कौन सा कोई एंजल वाला काम कर का रहा हूं। <laughs> रातों को उठाया होता है बेचारों को गरीब लोगों को चार चार <laughs> <मैं> सुबह <सुपा laughs> देख रहे हैं जी म्यूजिक बन रहा है तो और क्या होती है शैतानियत नहीं शैतानी मेरी में शैतानी इस तरह की नहीं थी कि मुझे कोई तकलीफ का शौक नहीं है मतलब कि मुझे कोई तंग करने का शौक़ नहीं है लोगों को लेकिन आई लाइक टू स्टे स्टेगेज

और हर ये नहीं होता लेकिन तो बचपन से हाँ तो मैं था, मैं था मुस्लिम की दाढ़ी थी उनकी और वाइट कलर की और वो थे शायद लखनऊ के ही थे वो ओरिजिनली मतलब हिजरत करके आए थे माइग्रेशन के बाद आए थे उम्र उनकी काफी थी तो वो तब बड़ी जल्दी ना वो तंग हो जाते थे कोर्स तंग होना स्कूल का टीचर तो बेचारा ज्यादा होती है सबसे टीचर के साथ right. तरस आता है टीचर्स पे तो yeah. वो एक दिन इस तरह को कर रहे थे तो उन्होंने कोई पता नहीं कोई मैंने कुछ मैं कोई चूशा कर दी होगी मैं करता रहता था तो उन्होंने कहा कि जो आप जिस तरह हरकतें हैं ना आपकी ये आपके माँ बाप की वो शो हो रही है परवरिश तो मैंने hmm. कहा सर टीचर भी तो रूहानी माँ बाप होते हैं आई वॉज गुड मैंने तो बड़ा बात की मैंने yeah. Yeah. He 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 <laughs> got it and he got <laughs> उन्होंने मुझे रह 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 के दो तीन बारी और मैं बाहर उसके बाद मैं तो इस तरह मैं इस तरह मेरा होता रहता एक पता नहीं कितने अब इस तरह तो बैठ के मैं मुझे याद नहीं है लेकिन इट्स लाइक एवरी एवरी डे फॉर मी कुछ ना कुछ एक चीज होती है जो की लाहौर की बिल्कुल छोटा जब था हम लोग पहले लाहौर में भी थे कुछ तो लाहौर में हम लोग एक घर था उधर मेरे अंकल चचा भी रहते थे और वो मुझे एक मेमोरी है उनके पास एक ब्राउन कलर की मेहरान होती थी लुक्स लाइक आई थिंक टाटा वो उस तरह की गाड़ी थी और वो नहीं नहीं FX थी उनकी एक करके गाड़ी होती थी वो मुझे याद है थोड़ा सा और मुझे लगता था एक चीज में होता था, मुझे मुझे बचपन लगता था कि मेरी मदर दो है आई यूज टू बिलीव की दो डिफरेंट औरतें हैं एक बड़ी अच्छी है और एक बड़ी गुस्सा करती है ये मुझे मुझे था अपने दिमाग में ये होता था मुझे लगता था कि वाकई में दो डिफरेंट लोग हैं कि so nice so मेरी so yeah. <laughs> मेरी गलती गलती होती होती थी थी। like, कभी भी ऐसे नहीं हुआ कि मुझे अनफेयर डांट पड़ी हो <laughs> मेरे नाइन्थ के नाएंथ के क्लास में मेरे एक टीचर से फटा हो गया था क्यों फटा होता है वो बड़ा फिट अच्छा खासा गुड लुकिंग आदमी था मैं उसको तंग करता था

मैं गिटार बस पकड़ के जाता था तो काफी मेरे दोस्त हैं उन्होंने सिर्फ इस चक्कर में गिटार लिया पता है कि चलो इससे दोस्तियाँ हो जाएंगी लड़कियां भी यह सोचती है गिटार होती yes. थी अब तो पता नहीं तो नहीं आजकल भी लड़के इसीलिए गिटार ज्यादा ले रहे हैं

तेरी आंखों उर्दू फंक में आ रहा है वो 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 बहुत horrible. That is the worst. <laughs> अच्छा तो मेरा मुझे पता था कि हमारे दो गलियां छोड़ के <laughs> खातन आती थी तो मैंने कहानी के की मैंने अपने फादर को जाकर मैंने कहा ये टीचर मुझे बहुत तंग करता है मुझे नहीं पढ़ना यहाँ पे आधा सेमेस्टर हुआ था अभी एंड दिस इज बॉट आई मेरे फादर की मेरे बहुत रिस्पेक्ट है एट कोई मसला हो जाए ये वो नीवर मेक मी फील लाइक ए मसला है ओके okay, छोड़ो कल से नहीं जाना कल उधर चलते हैं अगले दिन we और पता नहीं कैसे उधर और फिर मेरे साथ सैड स्टोरी मेरी क्लास में एक ही लड़की वो सारी लड़कियां जो आती थी वो टेंथ में आ रही है मैं नाइन्थ में फिर वही प्रॉब्लम और मैं उधर अब क्लास भी चेंज कर ली यूनिफॉर्म भी चेंज हो गया और इस स्कूल में थोड़े पौच बच्चे आते थे

Okay. समझ लिए आप ईयर ईयर जो जो होता है, 16, 16, हुँ, 17 हुँ. का जो होता है है का फिर यहाँ पे मैं आ गया था तो कॉलेज था, ये, ये था, ये था तो तो okay. के फंक्शन होते तो पर हर दफा एक होती थी ये शाहरुख खान बनता था ए, वो बाजीगर वाला। अपने और फिर क्या था कि शाहरुख खान नहीं बना ये दिस इज साइको कैरेक्टर भाई बाजीगर वाला शाहरुख खान है

इज्जत नहीं होती थी, थी हमारी कभी भी कभी ना मशहूर हुए लेकिन थे हम बैठते आतिफ के साथ है अली अजमत बैठा हुआ चाय पी रहा हम भी उधर ही बैठे हुए हैं लेकिन ऑल द इंडियन व्यूअर्स ये आतिफ के के साथ बैठते मतलब हां आतिफ आतिफ साहब साहब बैठ बैठ आतिफ असलम दी आतिफ असलम असलम का तो सीन आपको इंडिया में पता है ना मतलब हो भाई उसका इतना सीन है पाकिस्तान में भी कि मैं कहता हूं ना तो मैं शर्मिंदा होता हूं कहते हुए कि इतना बड़ा सीन है कि भाई क्या बात है बहुत लेकिन उस तो पर तो गिटारिस्ट की कमी होती थी और इन लोगों को गिटारिस्ट चाहिए तो मैं गिटार तो इनके साथ जल और भी बैंड्स के साथ मैं गिटार को दूर कर देता था, था तो वो बेसिकली बात ये थी कि इज्जत कोई नहीं थी और उसकी भी रीजन है इज्जत क्यों नहीं थी लाहौर का छोटा सा अंडरग्राउंड सीन था मतलब छोटा सा मतलब कि दस पंद्रह बैंड थे और वो सारे अब आजकल के टॉप बैंड मतलब लारी चूटी वाले हो गए जुल्फी वो भी गाना मशहूर हुआ था मुस्तफ़ा जाहिद तो फेराओ वाले जी। और ये आतिफ असलम तो खैर वो है ही हैं उसके अलावा एक नुमान करके लड़का था जिसने उसका गाना गाया था जन्नत फिल्म में था पता नहीं yeah. फरहान सईद ना फरहान yeah. सईद फरहान सईद हो गया ये सारे मतलब यही बीस पच्चीस हाँ वो सारे फट गए ना मुझे इसीलिए मुझे अपने फादर से गुस्सा है कि मुझे वो गलत टाइम पे उठा के वेल खैर

तो हमने गाने वाने बना लिए तीन ही कॉर्ड पे गाने बनते थे उधर उसी पे सारे गाने बने आज तक तो ये लड़का था एहसन जाहिर जो थे हमारे इनको हमने कहा भाई अब क्या करें आपका बैंड में रखना है क्योंकि दोस्त है, भी है। भी तो भी 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 हमने कहा आप बेस प्लेयर पढ़ लो बेस अब बेस का पता है तो ये होती है बेस इंस्ट्रूमेंट उसका हमें नहीं पता कि बेस क्या होती है हमने कहा भाई बस ईजी लगता है क्योंकि वो जो बेस वाला प्लेयर होता है नो वन केयर्स आप खड़े हो जाना बस बेस लेकिन पीछे चलनी है तो इनको हमने बेस पे रख लिया फिर क्या हुआ कि हमें हम थोड़े से मशहूर होने शुरू हो गए अंडरग्राउंड सीन में क्योंकि गाने अच्छे थे और वो सिंगर अच्छा था और फिर यूं यूं दिखाऊंगा तो, वो, वो हम लोग थोड़ा सा हमारा सीन हो गया अब सीन हुआ तो बड़े बड़े शोज मिले बड़े बड़े शोज मतलब पॉश मिनी गोल्फ क्लब में चले गए पॉश बच्चों के साथ क्रीम्स तो अब वो अब हमने कहा मोटरसाइकिलों पर नहीं जा सकते अब तो गाड़ी चाहिए तो क्या करें? तो फिर हमने हमने एक दोस्त मिला जिसके पास गाड़ी थी और बेस्ट तरीका क्या था हमने कहा देखिए अब तुम बेस प्लेयर और हमने ऐसन जायद को बैंड से निकाल दिया कि भाई तुम्हारे पास गाड़ी नहीं है वाओ लेकिन बजाना तो इन दोनों को नहीं आता था बजाना तो इन दोनों को नहीं आता <laughs> <laughs>

<laughs> <में खाए। laughs> भी होता है। लेकिन उसका बड़ा फायदा मुझे इन चीजों का। उससे हो गया कि नथिंग रियली इज एनीथिंग इट्स ओके। रहा आतिफ असलम का नाम सिर्फ <laughs> क्यों क्योंकि उसके बैंड आतिफ असलम को तो शायद पता भी ना हो रहा है

और भी जैसे सात सुल्तान एक हैं अब उनका द बॉक्स शो होता है बड़ा मशहूर है तो वो उन्होंने वो इस तरह करते थे ये देखें ये आज के स्टार बने हुए हैं उस वक्त हमें ये इस तरह आरिफ आरिफ करते थे लेकिन फन द बेस्ट थिंग अबाउट माई लाइफ लेट से इसके मैं बड़े जो सेलिब्रिटीज है उनके साथ बड़ा हैंग आउट करता था और करता हूँ अभी भी

एक शो था बेसिकली क्या हुआ था कि मेरी एक खातून होती थी उसपे एक गर्लफ्रेंड होती थी वो रहती थी शेफर्ड्स बुश में तो मैं उसके पास गया उससे मिलने उसको आया था नया नया मेकअप करने का शौक और मैं था पागल उसने कहा मैं तेरा मेकअप करना है मैंने कहा करे मेकअप कोई मसला नहीं वो मेकअप किया पीछे से मेरे मैनेजर का कॉल आया यार हमारा कॉन्सर्ट है बर्मिंगम में रहीम शाह के साथ मैं भी आगे से मैंने कहा मेकअप हुआ हुआ इट लुक गुड जैसे टीवी पे होता है ना मेकअप पता तो चलता नहीं है अब लाइव में तो पता लगता है कि इंसान ने मेकअप किया हुआ है दिमाग का खलल और सस्ते नशे भी उसकी गलती है सस्ते <laughs> नशे करने का ये नुकसान होता है कि यू फॉरगेट के रियलिटी भी कुछ होता है कि असल में कुछ है yeah. hmm. मैं चला यार हिमशा के साथ कांसेप्ट वेयर हिमशा को मैं एडलेस करता था सोच कि मैं कह यार पहले तो कभी कबी गम था लाइक गेम थी बंदे की

वो ना बताइए अच्छा क्या हमारा गाना हिट हुआ एक गाना का नाम था मैना मानू ठीक है वो गाना हिट हुआ इस तरह के अंडरग्राउंड सीन में हिट हो गया था वो हिट इस तरह हुआ था कि बस अच्छा हिट का भी क्या सीन हुआ <laughs> उधर उस वक्त ना एक सीन होता एक होता था, था जिस तरह ऑर्किड कम्युनिटी है ना होती थी उस तरह एक वेबसाइट होती थी हमारी पी पार्क मीडिया रेवोल्यूशन उस पर अगर आपका गाना नंबर वन पे है ना तो दैट मीनस यू आर द टॉक ऑफ द टाउन आपको कॉन्सर्ट्स मिलेंगे आपकी गेम ऑन है अच्छा हमें कहा अच्छा भाई अब इस पे कैसे आए

तो, ये तो बेज़ती वो, हो उल्टी। <laughs> तो हमारा सबसे बड़ा नाम आया क्योंकि उन्होंने पोस्ट लगाई तो सबको पता लग गया ये कोई दो नंबर लोग हैं लेकिन नाम तो बन <laughs> गया बस जीत गए फिर उनको जब कनेक्ट किया वही है जिनको सबने बोला था ग्रुप में वो जो शो हुआ था जी। आप और बस से हम हम लोग जो हैं स्टार्स बन गए मेरे फादर ने कहा भाई हम जा रहे यूके कह रहे हैं यूके जाना है यूएसए जाना है या कनाडा जाना है तीनों की जगह की अच्छा है, मेरे फादर की गेम थी उनकी उनकी तीन बुक्स आई थी तो यूके गवर्नमेंट ने मतलब उनको एज एन आर्टिस्ट स्ट्रेट अवे नेशनलिटी के उनकी बड़ी गेम है इसलिए मैं कहता हूँ आर्ट को फॉलो करना चाहिए आर्ट आपको ले जाता है अमेरिका

थैंक्स टू गुड लक वो क्या है हमारा उल्लू का पट्टा नाम नहीं मिलूंगा क्योंकि आपका फिर वो वो यूट्यूब उसको limited कर देगा लेकिन यहाँ पे जो अमेरिका में हुए थे 2011 में उस, या, उस या। के बाद खान लॉटस के चक्कर में मेरे फादर ने कहा तो 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 फिर यूके चलते हैं फिर यूके आके फिर अब मैंने यूके आके फिर छोड़ दिया

ड्रिंक mm -hmm. है मतलब मतलब आइसक्रीम सोडा क्या हो गया रहा इट गुड बट लाइक व्हाट दिस आप अनआइडेंटिफाइड ड्रिंक पी रहे हैं आप नो <laughs> no? it... you know, अब, अब हाँ, exactly, जो कि 20 पैसे की आती थी 20 पैसे की आती थी तो खैर mm -hmm. बात ये कह रहा था यूके आ गए और फिर यूके mm आके -hmm. क्या था अगला क्वेश्चन आपका आप बिल्कुल अपनी जर्नी जारी रखे आप आपके व्यूअर थक जाएंगे मेरे बात सुन सुन नहीं, के नहीं, आप भी नहीं, हैं। आप गाना था मेरा ओ लंडन मारे ओ दिल मेरा आगे तो वो है तो इस तरह मैं पंजाबी सॉन्ग्स लिखता था लोगों ये काफी मशहूर मशहूर गाने हैं जो कि मैंने प्रोवाइड किए हैं लोगों को अच्छा और मजे की बात है लोगों को पता ही नहीं है अभी मजे की बात हो तो मजे की बात को मजे की बात खैर मजे की बात से पहले थोड़ी सी दादा ना, नामजे वाली बात देखिये लंडन में आया लंडन आके मुझे पता नहीं था क्या करना है मेरे वाले वालद मोहतरम ने मुझे कहा कि भाई अब तुम्हारी उम्र हो गई है सत्रह सत्रह में हमारा ही हमारे टाइम पे वही वाली कहानी क्रोकोडाइल होते थे पानी में से हम जू करके जाते थे

खैर एनी वेज लगूंगा मैं कोई ज्यादा वो हो रहा हूँ चौड़ा हो रहा हूँ लेकिन <coughs> If you are, if you think I am wrong, go and check out on X Factor One Pound Fish का है, audition, ठीक है? बिल्कुल. Before you judge me. अच्छा, उसके बाद. तो UK में आके फिर मैं फिर वही मेरे भाई के साथ हम लोगों ने music शुरू कर दिया करना. क्योंकि हमें मुझे समझ आ गई थी कि समझ नहीं मुझे आई थी मुझे ये था कि यार ये job में तो मैं फिर Like, क्या मतलब अपना मैं खुद करूंगा मैं क्योंकि पाकिस्तान में मैंने कर लिया मुझे हाँ। okay, so कमरे में जाऊंगा इतना ऊंचा बोलूंगा कि किसी को अपनी आवाज नहीं आएगी वो सुनेंगे मेरी एक आधी बात मेरी ठीक हो जाएगी तो उनमें से एक कस्टमर मुझे मिल जाएगा ये एक बचपन से फंडा है मेरा से इंटरेस्ट ही नहीं है मुझे एक वही चाहिए जी, जी. तो उस तरह कर मैंने स्टूडियो में गया मैं स्टोन रूम स्टूडियो होता था वहां पे मैं काम शुरू किया वहां पे ब्लैक एड पीस की एल्बम रिकॉर्ड हुई विलायम आया उधर किलर्स की एल्बम रिकॉर्ड हुई उधर एल्बम रिकॉर्ड हुई आपकी क्या नाम है उस जिनो के रिकॉर्ड रिकॉर्ड उधर वीकेंड के कुछ डेमोज बने मतलब बड़े बड़े आर्टिस्ट आते थे उधर मैं मेरा कोई काम नहीं होता मेरा सिर्फ काम होता ड्रम किट लगा दी तारे लगा दी कि बड़ा आर्टिस्ट आ रहा है सफाई कर दी चाय के लिए इंटर्न इंटरन थे हाँ बिल्कुल में बस ये था कि बड़े बड़े आर्टिस्ट आ रहे होते थे तो एंड यू गॉट टू सी कि सीन कैसा चल रहा है क्या क्या मतलब हाउ टू डू थिंग्स ये को देखा था मैंने वो आके सब कुछ लगवाता था

तो हाँ। उससे थोड़े से पैसे जैसे मेरे पास आए जी फिर मैंने आ, हाँ फिर मुझे ख्याल आ गया था कि मैंने जिमी हेंड्रिक्स के बारे में पढ़ा कि जिमी हेंड्रिक्स जो था वो सत्ताईस साल की उम्र में इतना कुछ करके मर गया और ही वॉज लाइक वो दांतों से किताब जाता था और उसकी जिंदगी में बड़ी टेंशन थी और उसकी माँ जो थी वो उसको मारती थी अपनी क्या ऐसे सारा कुछ उसी के साथ हुआ था तो तो मैंने मेरे, मैंने मेरा दिमाग मैंने सोचा मैंने कहा फिर मेरी लाइफ में तो तो कोई टेंशन नहीं है तो स्टूडियो बनाना था स्टूडियो बन गया काम चाहिए था काम में और काम में कैसे ढूंढता था मैं तो नेबर्स के पास शॉप हाई स्ट्रीट होती है ना हर शॉप पर जाकर स्ट्रेट जेंटर कहता आपका गाना बनाता हूँ मैं पचास पाउंड में अभी बनाते हैं इसलिए मेरी स्पीड इतनी है कि मैंने इतने गाने बनाए हुए हैं इस तरह में घंटे में घंटे में आपका एड बनाते हैं फिफ्टी पाउंड चलो थर्टी दे दो चलो फिफ्टीन दे दे सर ना आपकी ना मेरी

Uh, फिर मैं निकल गया सड़कों पे आवारा वही टिपिकल स्टोरी लेकिन मैं असल में जी रहा था हॉलैंड में, में, में सब आप इतने कुछ स्टफ ले सकते हैं लीगली कि आपको तो आप मोबाइल वगैरह आ चुका होता था कि मतलब कर ये मैं बात नहीं कर रहा मोबाइल तो मेरे पास पाकिस्तान में भी वो था नोकिया का सिरोको, फोन भी था ऐसी कोई बात नहीं है ये मैं, लेकिन हाँ मैं कनेक्टेड इस तरह था मैं एक बार बता दूंगा होती है मेरी चीजें बिल्कुल मुझे ख्याल आया मेरे ये जी एहसन जाहिद साहब ये आइसलैंड जा रहे थे आइसलैंड चलते हैं ये ये भी ये जो है ना ये फिर ये भी मूव हो गए तो तो, will... तो तो मुझे अंदाजा हुआ जिंदगी तो ये है तन्हाई में बैठो और गिटार बजाओ और गाने बजाओ और यही करेंगे तो फिर मैं ये करना शुरू कर दी मैंने फिर मैं डिफरेंट कंट्रीज में जाके बजा रहा हूँ मैं और उसके बाद एक दिन मुझे पता नहीं फिर वही वही

Of UK. Mm -hmm. सारे योगी योगे उधर होते हैं वो वाले योगे ये वो जो नहीं होती वो इंस्टाग्रामर वाले सारी yes. वाले योगर्स। योगर्स, योगर्स, योगर्स कहते है ना उनको नहीं योगी तो बहुत आप फिर योगी तो योगर होता है ना पहले योगी तो बाद में मानते हैं खैर मैं तो योगर ही कहूंगा ठीक तो योगर्स जो होते हैं वो मैं क्या करता था ब्रिस्टल में मैंने फिर वो मैं आलू बनाता था आलू के सैंडविच वीकन वाले उसको मैंने नाम रखा था यस यस वहीं से शो का मेरा नाम आया था और वो बना के बेचता था मैं उधर रविर साइड पे वाटर साइड पे और साथ में गिटार बजाता था, था और मैट रखे होते थे दो के डू डू मेडिटेशन पांच पाउंड में मैं गिटार बजाता था, था ये आते नहीं योगर्स और जोगे बैठ जाती थी ओह एनलाइटनमेंट होती थी उनकी और मुझे वो दे जाते थे पांच दस पाउंड बीस पाउंडर्चा मेरा कोई था नहीं क्योंकि अब ये भी एक स्टोरी है इसमें क्या करें जी आए तो अच्छा एक मेरा दोस्त होता था पॉल ब्लैकमोर मेरी एल्बम का नाम है बींग पॉल ब्लैकमोर उसने दो महीने के लिए एडमबरा जाना था और वो एक सर्कस वाली के घर पर रहता था तो उसने मुझे कहा कि मैं दो महीने के वहां जाना है लेकिन तुम्हें दो वो फोटोग्राफर था उसने कहा तुम्हें दो महीने के लिए तुम मेरी जिंदगी जी सकते हो लाइक यू कम एंड लिव मी माय लाइफ बी मेरी जॉब पे जाओ तुम या yeah. और दो महीने तुमने ताकि बंधा दे के जा रहा था वो तो कपड़े भी no. उसके और सब मतलब ये नहीं था वो फोटोग्राफर था तो जॉब कोई नहीं थी उसकी बस ये था वो बैठ के वो करने होते थे उस पर

उनके साथ yeah. बैठ के इतनी डीप बातें करते हैं सर्कस वाले लोग ओ माय गॉड और उनके साथ बैठ के वही सस्ते नशे उससे मेरे जेन और ज्यादा एक्सपैंड हो गया मतलब कोई yeah. लिमिट ही नहीं रही फिर मुझे <laughs> फिर मैंने कहा अब क्या करना है फिर मुझे ये पता लगा कि मेरी लाइफ में जो कॉर्नर स्टोन द मेन थिंग इज म्यूजिक कि म्यूजिक yeah. की वजह से मुझे ये सारे एक्सपीरियंसिस हुए हैं तो नाउ वट कैन आई डू फॉर इट और तो फिर मैंने कहा लेट्स गो बैक लेट्स स्टडी इट

बीस <laughs> तो शायद तो थो थोड़ा सा कुछ जलते 20 में थोड़ा कि ये जो आपने रिंग दिखाई है ये मोतर्मा कहां मिली फिर ओ मोतर्मा ओ माय गॉड ये इनकी बात नहीं मैं इनकी बात मैं कर नहीं सकता इन्होंने मना किया है मुझे नहीं बिल्कुल मैं बिल्कुल नाम वगैरह कुछ नहीं पूछूंगा नाम का मसला नहीं है इन्होंने कहा है कि ओके व्हिच मीन योर नॉनसेंस

ये ये मैंने है इस फेवरेट लाइन हम हम सब सब है। हम सब, सब हैं अच्छा है। है ये ये जो जो उसके, उसके बाद मेरी एक खातून होती थी ये पिछली बात है वो थी ये योगर थी वो गोरी योगर यूके uh, की गोरी योगर थी वो तो उसके साथ उसने मुझे आर्ट ऑफ लिविंग मिलेगी तो मैं कहता कि ये देखो हेलो लाइक like इजी ये ये इंडिया पाकिस्तान मैं यहीं से आया हूँ मुझे ना सिखाया आपके ब्रीदिंग करना है आउट करना है ओम ठीक है आई नो ऐ भी वही नुसरत फते भी सुन के आया हूँ और वो बैठ के उसको निर्वाणा आ रहा है अच्छे मिल थे उसके थ्रू मुझे like वाले. तो वो गुड जे मानते हैं लेकिन nice. उसको फिर एंड पे हमें छोड़ना दिया मैंने कहा नहीं तू बहुत ज्यादा इंडियन है मेरे से भी ज्यादा है इतना मैं भी न्यू साउथ एशियन जितनी आप हैं आप ऋषिकेश तो तो जाए तो चली गई वो ऋषिकेश फिर पता नहीं क्या हुआ उनका तो so, लेकिन उसके थ्रू आर्ट ऑफ लिविंग अच्छा हाँ. पतंजलि की बड़ी पतंजलि मेरी लाइफ में बड़ी जबरदस्त तरीके से आई पतंजलि बाबा रामदेव मैं एक दिन ना मेरी बर्थडे थी, थी। ट्वेंटी मैं, मैं का काम करता था इनके लिए सिंगर्स वगैरह के लिए तो वीडियो शूट पे जाना हो ना मैं गाड़ी मैं गाड़ी रेंट पे लेता था और सबको लेके जाता था ये मेरा एक काम था पचास साठ पाउंड ले लेता था उससे मैं कि भाई मैं कर दूंगा आप पेट्रोल बढ़ा देना खाना खिला देना मुझे पचास पाउंड दे देना क्योंकि पैसों की मुझे कभी भी ये मेरी लक गुड लक है कि कभी भी पैसों के लिए मुझे कुछ नहीं करना पड़ा पैसा है मतलब जल्दी पूछती है अमीर है हम पीछे से हम अमीर है सारे ऐसे पैसा बहुत है और टेंशन नहीं है पैसे की मतलब ये है जो चीज़ ना हो इतनी उसकी टेंशन नहीं चाहिए पैसा क्या है एनर्जी है खैर पैसा की मुझे नहीं था मुझे एक्सपीरियंस होगा तो मैं लेक डिस्ट्रिक्ट से और रहा था तो वापस आ रहा था मैं वो एक सिंगर होता था बिलावल उसका गाना रिकॉर्ड हुआ था उसका गाना भी मशहूर हुआ था तकरीबन कुछ अर्सा पहले तो ये सैड सा गाना था तो वापस आए तो मैं बड़ा उस सप्र... उस वक्त भी मैं डिप्रेस था उस वक्त हो गया था मैंने कह कर ले गए कर ली। मतलब मैं, मतलब क्या हूं, मैं कर के रहा हूँ स्टूडियो मैं हाँ। मैंने छोड़ दिया हुआ समझ नहीं आ रही करना क्या तो मैं इस तरह पार्क में बैठा सुबह मैं चार बजे उठता हूँ एवरी ये मेरी एक है बचपन से तो पांच बजे का टाइम था मैं पार्क में

मैंने आप क्या मतलब क्या करते ये तो बहुत जरूरी है ब्रीदिंग एक्सरसाइज आए तो उन्होंने कहा कल सुबह मुझे इसी टाइम पे मिलना मैंने कहा ठीक है मैं सुबह चला गया मैं रोजाना उनके साथ बैठ के फिर मैं ये करता था फिर उन्होंने मैंने कहा आपको ये किसने सिखाया कहते हैं मैं पतंजलि का पार्ट हूँ मैंने कहा ओ पतंजलि क्या कहते है के बाबा रामदेव है मैंने कहा अच्छा ये कौन है मैंने कहा आपको नहीं पता आप टीवी देखें उन्होंने मुझे बताया बाबा रामदेव का आई नॉट रियली इंटरेस्टेड बाबा रामदेव कामदेव मैंने कहा कि बाबा रामदेव आ रहे हैं तो uh, okay. अगर आप चाहते हैं उनसे मिलना तो आप में हमारा इवेंट है आप मिल सकते हैं उनसे मैंने कहा ठीक है बाबा रामदास से मिलते हैं उस वक्त मुझे नहीं पता था अभी मुझे अब now I know how, like, like, much of a तो ये देखा कि भाई ये साठ साल का बाबा है इसके बाल काले हैं और उल्टा खड़ा हो जाता है ये मुझे थारी यार like, ये कैसे कर लेता यार, ये मैंने उनसे बातें की दो तीन इस तरह की टाइप बातें उसके थ्रू मुझे लाइफ में एक नई डायरेक्शन मिली ये वाली स्पिरिचुअलिटी जिसको कहते हैं कि फिर मैं आर्ट ऑफ लिविंग का भी थोड़ा सा किया मैंने फिर मैंने कीर्तन वगैरह बजाने शुरू कर दिए थे इस सिखों टेंपल्स में क्योंकि न्यूकासल में हम तो जाते थे तो न्यूकासल एक जगह है वहाँ पे खाने के लिए बेस्ट तरीका ये कि गिटार लेके कीर्तन चलाने चले जाएं चलाने 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 चलाने, सिखों के जो टेंपल होते हैं

तो इसमें what you figured is, is happiness. क्या होती 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 है 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 नहीं ये बड़ा क्वेश्चन मैं मैं अब इसके आंसर ती तीन चार तरीके से दे सकता हूँ अगर तो आपने मेरा योगर वाला, आज क्या फील कर रहे हैं <laughs> अगर अब तो मैं योगर फील कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सारा वो पतंजलि और सारे वो गया और प्लस आई डू लॉट ऑफ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस

In and in my own ego. जैसे अभी आजकल मैं मेरी जो है, टॉप फ्लोर टॉप फ्लोर बैठी हुई क्योंकि जो आ रहा है तारीफ में कर रहा है थैंक यू हेलो सर सर भी किताब भी दे दिया नहीं। बेस्ट हैं जी आप कमाल हो गया गाना हमारे को सिंगर बना दिया लेकिन मेरे तो इस वक्त ईगो लेवल बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है तो उसको टेम करने हाँ। के लिए अगर मैं इसलिए मैं ये नहीं सोचता कि हैप्पीनेस लोग तारीफ कर रहे हैं yeah. मेरा कहने का मकसद मैं ये उसको लम्बा आंसर जो दे रहा था वो मैं ये दे रहा mm -hmm. था कि अब वॉट आई एम से अगर मैं इस, इस पर गल्च करना शुरू कर दू अपने आपको की मैं हैप्पी हूँ या सैड हूं तो मैं कल की स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा या मैं अभी रात की स्ट्रीम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि फिर मैं ये इस पे चला जाऊंगा मैं अंदर चला गया हूँ और अंदर में एक ऐसी चीज को ढूंढ रहा हूँ जो एक्जिस्ट नहीं करती वो एक असल में हैप्पीनेस तो है ही ना कुछ तो उसी दिमाग को कलर मैं क्या करूं ओके okay, लॉजिक में मैं कुछ कर टू से तो इसलिए मैं अपने आप को इतना मेरा दिमाग ऑक्यूपाइड होता है इन द थिंग्स और जब मैं गाना लिखना होता है मैंने तो मेरे तो जहन में इस तरह मैं इन चीजों को मैं नहीं देता मैं ज्यादा नोटिस के मेरी क्या फील कर रहा हूँ मैं एम आई फीलिंग एनीथिंग समझ आ रही है आपको मेरी बात ये आपको यू डोंट बिलीव दिस नहीं आई आई डोंट बिलीव इट बट आई आई कैन आई आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन या तो मैं बहुत मैंने उसको अंदर धसाया हुआ है हैप्पीनेस और सैडनेस की फीलिंग को नहीं बट इट्स ओके ना अभी देखिए अभी दिस टाइम ऑन ऑन 23 जून 2021 यू आर फीलिंग दिस वे बट देन यू नेवर नो टूटा so, uh, ठीक है, yeah. है, तो like है, तो है? क्योंकि वो उसकी एक तो स्थेटिक है प्लस तो वो आई एम बींग अब वही आप उर्दू ट्रैप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये तो उससे बड़ा कोई एरोगेंट ही नहीं है ठीक है उसमें मेरे आप कोई भी आप शायरी आप मेरी एक भी लाइन देखें आप कहेंगे मेरे से ज्यादा ईगो किसी की नहीं है मेरी उसमें गाना है बीट पे हाई तो उसकी लाइन है बीट पे हाई जैसे बीट पे है हाई जैसे वीट पे जैसे वीट पे है हाई जैसे वीट पे आदो ना मेरी बीट है रिस्पेक्ट ऑन द स्ट्रीट है बट एनीस पॉइंट इज क्या उसमें भी आप कोई भी देख लेंगे तो अब लव सॉन्ग मेरा आप अगर मेरी लव एल्बम सुने या उर्दू आरन भी सुने तो उसमें वो गाने मैं सारी दुनिया छोड़ दूं मैं सब कुछ दूं तो yeah. तेरे लिए सबको तो दास्तान इश्क से उर्दू जायज में आ जाए तो क्या ढूंढ रहा किसकी ख्वाहिश है तो इट्स नॉट यू अंडरस्टैंड वो इस वजह से क्योंकि मैं आई एम नॉट टेकिंग ये इस एडिटी को मैं इतना सीरियस नहीं लेता कि मैं हमाद राशिद दू या मेरी ये बॉडी है मुझे ये पता है कि मैं सेलों पर नहीं चल रहा जो जो आवाज़ आवाज़ मेरे अंदर अंदर से से आ रही से भी आ रही रही है, 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 वो वो आपके भी एक साउंड जी, ये इसलिए मैं 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 हैप्पीनेस और सैडनेस वाले में, में में जाता हूं मैं कभी -कभी, काफी जाता कभी-कभी, काफी होता हूँ कभी कभी बड़ा जबरदस्त गुस्सा आता है मुझे <laughs> लेकिन मेरा तरीका वो <laughs> नहीं आई डोंकि uh, आपने देखा होगा कभी कभी

फ्रीडम okay. okay. फ्रॉम like, uh, मेरे अपने इमोशंस है बहुत ज्यादा कि मैं डीप चलू के स्ट्रेस सेटिंग ना करूं मैं ये मेरे लिए सक्सेस है मैं ट्रिगर uh, ना हो जाऊं मैं एम ही किसी रोड पे ये मेरे लिए सक्सेस है और अगर आपने मॉनिटरी लेवल पे करना है तो ये मेरे सकता है कि मैं अब जैसे मेरे पास अभी मूवी यूवी के काम आता है की बीट्स पे लोग आते है, तो है, हैं तो पैसे ऑफर करते हैं मैं उन्हें कहता हूं मैंने नहीं लेने वो इसलिए नहीं मैं कहता क्योंकि तो मुझे पता है कि पैसों की बात कर रहा है ठीक है गेम वही स्ट्रीम पे लोग फ्री में इतने गाने बनवा गए हैं इतने बड़े इतने बड़े आर्टिस्ट हैं आप भी कि आप लोगों को तरीका आता है गेट वही वही पे आके लोग कहते हैं कितने पैसे लेते हैं, मैं मैं तो है के के हैं ताकि कोई टेंशन हो जाए तो मेरे पास पैसे हों और ज्यादा ज्यादा का मुझे ना कोई वो है और बस ये सक्सेस है सक्सेस बेसिकली फ्रीडम है की मुझे जबरदस्ती ना कुछ करना पड़े लाइक आई डों

लेकिन आप इसका हाँ ये बहुत खतरनाक है आई नो <laughs> ये बहुत डेंजर है तो इसलिए मजे की बात क्योंकि okay, अभी तो मैं म्यूजिक स्ट्रीम तो ये तो एक शशका है मैं क्या क्या करता हूँ मैं कौन हूँ कहाँ से आया है <laughs> हवा का झोंका नहीं इतना भी नहीं हो रहा लेकिन हिस्सा की प्रैक्टिस में करके मैंने चीख की और मैं इसलिए नहीं करता मुझे काम चाहिए होता था ना

इस इस तरह की प्रैक्टिस जब आप इस आप चीज आप yeah. 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 को अगर पे right. तो, तो हो गया लेकिन बॉडी के बाहर भी बहुत कुछ है बॉडी के ऊपर कुछ होता है वो आपको फील होता है बॉडी के अंदर कुछ होता है वो आपको फील होता है राइट तो इस तरह की काफी पैराडॉक्सिस हैं इस दुनिया में जो चिल गिव यू इनफ डेटा टू बिलीव के ओके मे बी मेरी एग्जिस्टेंस थोड़ी बाहर भी है अब वो कितनी दूर तक जाती है ये टेस्ट नहीं हो सकता क्योंकि अभी आप यहाँ बैठी हैं अभी आपके नेबर तक आपको फील कर सकते हैं क्योंकि जा ही नहीं सकती यहाँ पे क्योंकि टेस्ट कैसे करेगी? मैं इसलिए कह रहा हूँ जो गुरु वगैरह होते हैं वो बात सारे सही कर रहे होते हैं लेकिन एंड पे वो डोनेशन मांगते हैं

मैं मतलब सब हम हैं एवरीवन इज मी सो इट्स ग्रेट ग्रेट आई हैड आई हैड अ वंडरफुल टाइम बट आई द लास्ट क्वेश्चन इज वुड यू वांट एनीथिंग दैट आई हैव नॉट आस्क्ड और आपको बताना था जो अपने लाइफ की जो डॉक्यूमेंट्री हमने बनाई है अभी तो उसमें आपको रखना ही है अगर कोई चीज अभी तक तो दिस इज अ चांस आप रख दें समथिंग आई नॉट हैव हैव आई माइट नॉट आस्क्ड और आपने बतानी है समथिंग यू हैव नॉट आस्ट दैट्स अ गुड क्वेश्चन नहीं आई थिंक इसमें सारा कुछ ही कवर हो गया अभी एंड पे तो मैं बिल्कुल डीप भी चला गया किस इन लाइफ क्योंकि अगर मैं कर सकता तो मेरे मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं <laughs> तो इसलिए मैं यूज नहीं रोग करता रोग के एक 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 इंसान के अंदर जाकर अच्छा अब अब चली गई है बार इधर एक चीज होती है क्लाउड कॉन्शियस ठीक है ये भी एक बड़ा अजीब सा कॉन्प्ट है ये अगर आपने कभी एलएसडी वगैरह करे ना तो आपको नजर आएंगी चीजें ना करें वैसे भी नहीं, होती नहीं। है। नहीं। करनी भी नहीं लेकिन अगर कोई है मैं, इसको कैंसिल करें, <laughs> आप, आपका और क्वेश्चन अच्छा एक क्वेश्चन आपको बताता हूं मैं मेरा नहीं नहीं दे चिल इट्स ओके नहीं ये ठीक है ये लाइटन लगाने का मकसद ये है कि जिन जिनों ने की होती है ना उनको पता होता है कि मैं आपकी कंट्री का हूं इसलिए ये सुपर मारियो रखा हुआ है मशरूम के साथ ये बेसिकली पूरा स्टूडियो एक सिग्नल है जिधर उसकी अब मैं अच्छा एक चीज मैं बता देता तो हूँ बल्कि हाँ मैं हमाद राशिद के साथ तो हमाद राशिद के नाम से मैं म्यूजिक करता हूँ इसके अलावा मैं और भी कई नामों से म्यूजिक करता हूँ जैसे कि लाशौर एक नाम है लाशौर के नाम से मैं एक टेक्नो डीजे सेट करता हूँ स्टोनिया और लिथुनिया में हर साल जाके वहाँ पे एक चुशकू शुशु पार्टी करते हैं पार्टी होती है वहाँ पे और उधर इस तरह का सीन होता है फुल हैवी सीन वो जो आते हैं ना क्या कहते हैं वो जो फिरंगी लोग नहीं होते ऐसे ऐसे करके वो क्या है सीन वो किस किस मूवी में है वो खैर नहीं बजती पॉइंट वाइज के तो ये एक चीज़ है कि ये अभी लोगों को नहीं पता मेरा कि मैं इस इ, 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 इस इ, ये एक जो मैंने अभी नया शशका शुरू किया है पिछले तीन महीने से ये yeah. तो मैं अभी कर रहा हूँ पता नहीं कब तक करूंगा लेकिन इसके साथ साथ जो मेरी रोजी रोटी होती है वो मैं mm. इस तरह परफॉर्मेंसेस करता हूँ टेक्नोलॉजी की लाशूर के नाम से और उसकी एक एल्बम है

पंजाबी गाना hmm. सारी ही रात मैं चलिया वांगो है दर ओ दर फिर ना गए ने जेड़े सज्जन सब याद मैं करना कदी मैं उच्चा उच्चा हंसना कदी मैं खुल के रोना दिन दे वेले दिल नू कहना मैं करना। दिन दे वेले दिल मैं करना। शामा वेले फिर मैं उस जावड़ना मैंने आगे संप तो सिंह भी किया मुझे याद था ये गाना याद आरोप चले बहुत अच्छी बात भी है, है।, है तो बहुत अच्छी बात, बात है, है।

लाइफ जो है ना ये मुझे तो नहीं पता कि लाइफ क्या है लेकिन मुझे ये पता है कि अगर आप एक चीज़ को करते रहे ना तो इट्स लाइक जो अर्ली ह्यूमन्स थे ना उन्होंने जब फायर इन्वेंट हुई थी तो अगर कभी आप कैंपिंग पे भी जाए एंड यू हैव टू मेक फायर फ्रॉम स्पेशली स्टिक्स तो उसकी गेम क्या होती है कि यू मेक फायर एंड यू कीप डूइंग इट द मोमेंट यू डू इट यू स्टॉप द प्रोसेस हैज टू बी री फ्रॉम द बिगेनिंग एंड दिस इज अ वेरी गुड

कोशिश है ये आप जो documenting people कर रही हैं क्योंकि नाइस टू डू दैट इट्स लाइक नेक्स्ट लेवल थेरेपी तो इसके आपको बहुत बहुत मिलेंगे जब आप ओब्लिवियन में जाएंगे ना तो अ शेप और समथिंग टू प्ले विद